नबी नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज की थी, रब्बी गफिरली वली वालिदैया वली मन दखल बैतिया मुमिना वलिल मुमिनीन वल मुमिनात। अल्लाह दे नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तेरे ते मेरे वास्ते दुआवां कीतियां। अल्लाह दे नबी इब्राहिम ने अर्ज कीतियां, रब्बना गफिरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीन यौमा यकूमुल हिसाब। औ नंदे वाली ने अर्दा की दिया, फस्तगफिर ली ज़म्बिक वलिल मुमिनीन वल मुमिनात। नले अरशां दे फरिश्तियां ने अर्दा की दिया, अल्लज़ीन यहमिलून अल अरश व मन हौलहू युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम व युमिनून बिही व यस्तगफिरून लिल्लज़ीन आमनू। अल्लाह दे अरशां दे फरिश्ते तेरी मेरी बख्शा दी दुआवां पे कर दे। मियां मुहम्मद बख्शने दा तर्जमा जे फरमाया, ते आ फरमांदे ने तैनू कुवत बख्शी मौला ए सब खलकत बख्शावे हुंदे जोर सवाल न मोड़े। ते नबी करीम कहां वे हुंदे जोर सवाल न मोड़े। जितने जमीन ते इंसान होए, जितने हिन और जितने आवन के, तकरीबन 7.5 अरब इंसान इस वेले दुनिया ते जमीन ते मौजूद है। 7.5 अरब मगर जितने हो चुके, जितने आवन के, सारे इंसान इकट्ठे कर लिए ते एक जिन्नात दा 10वां हिस्सा है। जमीन ते इतने जिन ने कि इंसान जिन्नात दा 10वां हिस्सा है। फिर इंसान ते जिन्नात इकट्ठे कर लिए ते जेड़े खुशकी ते जानवर ने ना, इन जानवरों का 10वां हिस्सा है। फिर इंसान जिन्नात और खुशकी ते जानवर जमा कर लिए, ये परिंदियां का 10वां हिस्सा है। वो परिंदे भी विच शामिल कर लिए ते जेड़े पहले आसमान ते फरिश्ते ने, उन्हां का 10वां हिस्सा है। इस तरह 7 आसमान दे फरिश्तों की तरतीब लगा लो, फिर 7 आसमान दे फरिश्ते भी विच शामिल कर लिए ते ओ जेड़े अल्लाह दी कुर्सी वसिया कुर्सी हो समावात वल अर्द, उस कुर्सी ते जेड़े फरिश्ते दी ड्यूटी है, उन्हां दे चंद ए बिल्कुल थोड़ा जा हिस्सा बन दे। फिर कुर्सी दे सारे फरिश्ते भी इकट्ठे कर लिए ते ओ जेड़े फरिश्ते अल्लाह दे अर्श दे इर्द गिर्द पर्दे ने ना, उन्हां पर्दियां दे कोल बह के जेड़े अल्लाह दी तस्बीह पढ़दे ने, उन्हां फरिश्तियां दा छोटा जा हिस्सा ने। ते अल्लाह दे अर्श दे उत्ते तकरीबन 6 लख पर्दे ने, ते हर पर्दे ते इन्ने फरिश्ते ने। फिर ओ जिन्हां ने यहमिलून अल अर्श, अल्लाह दे अर्श नूं उठाया ना फरिश्तियां, ओ जेड़े युसब्बिहून बिहम्द रब्बिहिम अल्लाह दी तस्बीह पढ़दे ने, ओ फरिश्ते विच डाल लईए ना सारे अर्श दे पर्दियां दे, ते अल्लाह दे अर्श दे फरिश्ते जेड़े उठा के फिरदे ने। अल्लाह फरमांदा वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हू, अल्लाह फरमांदा उन्हां दी गिनती सिवाय रब दे जानदा ही कोई नहीं। ते ए सारे रल के मोमिन दी बख्शिश दी दुआ कर दे, सारे मोमिन दी बख्शिश दी दुआ कर दे। हुण आप सोच तेरे ते करम कितना है। ते करम क्यों? एक तो मुहम्मद दा कलमा पढ़िया है, बस यार दा कलमा पढ़ लिया ना, वेख तेरे ते कितने एहसान। और सारे फरिश्ते जिन्नात दरख्त मछलियां, मेरे नबी ने फरमाया कि समंदर दे अंदर मछलियां मोमिन दी बख्शिश दी दुआ कर दियां। अल्लाह दे अर्श दे फरिश्ते वयस्तगफिरून लिल्लज़ीन आमनो, ईमान वाले दी बख्शिश दी दुआ कर दे। गिरामी कदर हजरात, ये सदका नहीं कमली वाले दा। आ जेड़े दो मोढ़िया ते फरिश्ते बैठे ना किरामन कातिबीन, जो मोमिन कबर च जाता ना, तो यह फरिश्ते दोनों अल्लाह की बारगाह च जाके रजिस्टर पेश करते हैं, अर्ज करते हैं सारी जिंदगी बंदे नाल गुजारी, आए अमलों के रजिस्टर लैके आए हाँ, तो टुर गया कबर च, हुण सानू इजाजत दियो ते असीं आसमान ते रह के अल्लाह तेरी इबादत करिए। अल्लाह फरमांदा ना ना, आसमान ते जगह ही कोई नहीं, इन्ने फरिश्ते मेरी इबादत पे करदे ने। ओ किरामन कातिबीन अर्ज करदे ने, फिर सानू जमीन ते भेज दे, असीं उत्थे तेरी इबादत करिए। ते अल्लाह फरमांदा जमीन ते इन्ने फरिश्ते ने तुहाडे जोगी जगह ही कोई नहीं। ते अर्ज करदे ने फिर कित्थे जाइए? अल्लाह फरमांदा जिहदे नाल सारी जिंदगी गुजारी जे ना, उसे मोमिन की कबर ते जाके तस्बीह पढ़दे रहो, कयामत तक उहदा सवाब मोमिन नूं मिलदा रहेगा।
तेरी मेरी बख्श दे रब ने कैसे सामान बनाए मोमिन वास्ते अल्लाह ने इशाना रखिया पर होवे मोमिन होवे मुस्तफा दा अल्लाह ने दे वास्ते बड़े मुकाम बड़िया सारिया अदमता रख दितिया गिरामी कदर रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी ने हजरत साद बिन माज जिसम बड़ा वजनी सी कद मुबारक भी बड़ा लंबा सी हजूर ने बड़े प्यारे सन किसे आके अर्ज की या रसूल अल्लाह बड़े बीमार ने आखिरी वेला वक्त नजा आ गए रूह हलक जाके अड़ गई है बस इंज कहां कि उड़ीकां माही दिया ने उड़ीकां माही दिया ने कौन है तबाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा आओ मेरे यार दा पता लगे आइए سید عالم خراما خراما ٹورے جدو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر آئے نا تے آپ نے آ کے دیکھا طبیعت بہت نا سازے تے آخری ویلے نزادہ عالم ہے قالے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دا سر چکے اپنی گودی چ رکھے آ نوجوان ماں کیڑا رنگ دیواں میرے نبی دے اثر صاحب دے چہرے تے بیٹھے کے دینے انہاں نزادہ عالم آخری ویلے آخری ہچکیاں آ رہیاں گلے اردا پہ کر دے लाश मेरी आवी सजना पड़ी जनादा मेरा उस वेले मैं तकदा हुआ नूरी मुखड़ा करी उन्हें सिर गोदी च रखे अर्ज की मेरा साथ है इन सारी जिंदगी तेरे दीन वास्ते बड़िया मारा खदिया ने अर्ज की लाल बड़िया तकलीफा सरदारे आई अर्ज की मेरे मौला ए दी रूह इंज कबद करनी आई जिवे अपने यार दी रूह कबद करना है नबी करीम बड़ी देर तक उन्होंने सिर गोदी च लैके रोते रहे हजरत साद बिन माउद ने अखियां खोलिया ते वेख्या मैं ते अपने साजा दी गोदी दे अंदर आऊं अपने माही दी गोदी दे अंदर आऊं अपना सिर चुके उन्होंने नबी करीम दी गोदी चो हटा लिया मेरे आका फरमाया साद क्यों पिया करना है अर्ज की कमली वाले आओ तेरे को लेने अमल चंगे कोई नहीं मैं नबी की गोदी च सिर रखा तेरे नबी ने सिर उठा के दोबारा गोदी च रख ले आओ हजरत साद ने अख नबी दे मुख दे रखी आखरी हिचकी आई ते रूह परवाद कर गई मेरा ईमान कहता रूह भी जांदिया कहती होवेगी ले सजना असा तोड़ निभाई जान दीरा तेरे रोज दियाड़े शर्माते ते परदे कज लई तेरे इधर हजरत साउद रू ने बर्बाद की थी उधर जिबरीले अमीन आ गए अर्ज की थी कमली वाले आओ आज दुनिया तू कौन गया है तेरे आका ने फरमाया मेरे साउद ने विशाल किया है अर्ज की थी कमली वाले आओ आज साजे वास जन्नत के सारे दरवाजे खोले गए आओ समाना दे सारे दरवाजे खोले गए अल्लाह का अर्श भी कंबे उठे आए अर्ज की थी माजाग दे नैना वाले आओ सारे फरिश्तियां ने तेरे साथी रूह ता इस्तकबाल किया नौजवान जद जनादा रद साथ जा रहा जिसे बड़ा भारी है कदम मुबारक भी बड़ा लंबा है पर जिन्ना जनादा उठाया हो वो कहते ने जनादा बजनी कोई नहीं तेरे आका नु अर्ज की थी कमली वाले जिसे भी भारी जनादा बारा कोई नहीं तेरे आका ने फरमाया साहबा सिर्फ जनादा तुसे ही नहीं चुकिया फरिश्तियां भी चुकिया चुकिया मेरे साथ का जनाजा फरिश्ते भी चुके जो दफन किए गए ते हदीसे पा के चाहता हजरत साद रदी अल्लाहु तआला अन्हो आपकी कबर की मिट्टी के विचों खुशबू कस्तूरी दी आंदी थी ते मुश्क दी आंदी सी ग्रामी कदर हजरात जेड़ा बस मेरे नबी का कलमा पढ़ जाए एक सवारी ते सवार आया कलमा पढ़िया ते टुर पिया रस्ते विच उहदा पाउ ना ऊंट उहदी घोड़ी दा या ऊंटनी दा किसी चीज नाल ठोकर लगी ते ओ नौ मुस्लिम जमीन ते डिग गया कतल शहीद हो गया थोड़ी देर बाद नबी पाक नो किसी ने अर्ज की यार सुन लो जो हूं कलमा पढ़ के निकलिया ना वो फौत हो गया
हजूर ने फरमाया जनाजे का इंतजाम करो। नबी पाक ने जनाजा पढ़ा के कबर च उतारिया ते हजूर अपनी अड्डियां चुके ना ते पब्बां दे पार टुरदे जनाजे च पुछा गया क्यों, फरमाया फरिश्ते इन्ने आए ने पैर रखन दी जगह नहीं पे मिलदी, दफन करके मेरे नबी ने फरमाया नमाज पढ़ी कोई नहीं, रोजा रखा कोई नहीं, हज कीता कोई नहीं, ज़कात दित्ती कोई नहीं, फरमाया अमल थोड़े कर गया है अजर बहुत ही लै गया है। ते कीता की बस एक मोमिन होया, कलमा पढ़िया ना मुस्तफा करीम अलैहि सलातो सलाम दा ते अपने नाम दे नाल मोमिन दी डिग्री लगा ली ते अल्लाह करीम ने मुकद्दर ही बदल दिते। गिरामी कदर हजरात असी कलमा ही नहीं सिर्फ पढ़ना मोमिन भी बनना है ते मोमिन ओ होंदा है जिहड़ा साले होवे। मान ते इह ना कि हजूर दे सच्ची दसो जे कयामत नूं कमली वाले कह दिता कि तू मेरा उम्मती नहीं पल्ले की रह जांदा है। मियां साहब फरमाते ने उस दिन बंदिया टुट जाएगी तेरी आकड़ ते मगरूरी जिस दिन किया पाक मुहम्मद ए नहीं उम्मत मेरी उस दिन पल्ले की रह जाना है। तो लिहाजा कलमा पढ़े ते कलमे दी लाज रखिया जे फिर कलमे वाला तुहाडी लाज रखेगा।